जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनी शिशि जी के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो समय है वो इनकम की दृष्टि से, आय की दृष्टि से कैसा बीतने वाला है। क्या इस समय में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी इनकम बढ़ सकती है, या कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, आपकी जेब ढीली कर सकता है। साथ ही साथ वो उपाय भी आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप अपने लिए इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बरकत को आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। हमेशा की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और पहली बार यदि आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ भक्तगणों, यदि आप में से कोई भी भक्तगण ये महसूस करता है कि पैसों की दृष्टि से वो कमजोर है, फाइनेंशियल स्थिति उसकी ठीक नहीं है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, या आपकी इनकम कम है, या काम धंधों में बरकत नहीं हो रही है, या खर्चे अत्यधिक हो रहे हैं, तो बिना झिझक आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि जी से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन फोन कॉल के माध्यम से करा सकते हैं, जहां मैं आपको ऐसे उपाय जरूर बताऊंगा जो आपकी इनकम की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं, आपकी बरकत को बढ़ाएं, आपके जीवन में सुख शांति और वैभव की स्थापना करें। चलिए भक्तगण, अब बिना विलंब करें आज की इस चर्चा को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए भक्तगण, चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि यहां पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इनकम की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है फरवरी 2022 में। तो मालिक उनके लिए है बृहस्पति देवता सेविंग्स के, और बुध देवता है यहाँ पर मालिक आपकी इनकम के। बृहस्पति देवता जो कि चतुर्थ भाव में समय पर विराजमान है, पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर आपके कर्म स्थल को देखते हैं, दर्शाता है कि आप मोटिवेटेड रहेंगे कि कर्म स्थल पर आप सेविंग्स करें, यानी कि वर्क प्लेस पर हो रहे अपने खर्चों को कंट्रोल करें जो अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स में ट्रांसलेट होंगे। तो ये स्थिति समझ में आ रही है, हर प्रकार से आप अत्यधिक खर्चे अपने कर्म स्थल पर जो आपसे हो रहे हैं, चाहे अगर आपकी अपनी दुकान है तो दुकान पर आपके जो व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे, फालतू के खर्चे हो रहे थे, मान लीजिए किसी प्रकार का कोई वेस्टेज हो रहा था या सामान खराब हो जा रहा था, तो उसको आप कंट्रोल कर पाने में समर्थ होंगे, जो कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली आपकी सेविंग यानी कि बचत में ट्रांसलेट होंगे, आपके बैंक अकाउंट तक वो पैसा पहुंचेगा। तो ये बृहस्पति देवता यहां पर फलादेश दे रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बुध देवता जो कि इनकम के मालिक है वो तृतीय भाव में विराजमान है, अष्टम के स्वामी है, पूर्ण दृष्टि से नवम को इस समय पर देख रहे हैं, इनकम के भी स्वामी वही हैं। तो क्या दर्शाता है कि ससुराल पक्ष के व्यक्ति, जिन लोगों की शादी हो गई है उनके ससुराल पक्ष के व्यक्ति जो हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं उनके भाग्य को चमकाने में और अल्टीमेटली इनकम को बढ़ाने में। तो ये संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। साथ साथ आपकी मदद से आपके जो छोटे भाई हैं उनको भी यहां पर फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने छोटे भाइयों के लिए इनकम के सोर्स बन सकते हैं या उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छे चीजों पर काम करें जिनसे उनकी इनकम बढ़े, और ये सेम बात आपकी बहनों पर भी लागू होती है जो छोटी बहनें आती हैं। तो ये फरवरी 2022 का फलादेश है इनकम की दृष्टि से हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के। आगे बढ़ने से पहले भक्तगणों, में आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो केवल मासिक राशिफल में जो होने वाले ग्रह परिवर्तन है उनसे वो सुलझने वाली नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है विशेष उपायों को अपनाने की और साथ साथ जन्म कुंडली के अध्ययन को करने की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जन्म कुंडली में आपके जीवन के सभी राज छिपे हुए हैं। ये मासिक राशिफल तो मात्र 40 से 50% तक ही आपके बारे में बताता है, बाकी जो मुख्य भाग है वो निर्धारित करती है आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली में
ग्रह किस प्रकार बैठे हैं, कहां पर विराजमान है, कैसा फल दे रहे हैं, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, कौन से ग्रहों का दिशा बल ज्यादा है, कौन से ग्रहों का दिशा बल कमजोर है, भाव बल का अध्ययन करना पड़ता है, हर प्रकार से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो निर्धारित करेगी कि जीवन में समस्याएं कितने समय तक चलेगी या आपको कितने सफलता अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। जीवन में कोई भी समस्या आए तो दुनिया में लाखों भक्तगण ज्योतिष का आज सहारा ले रहे हैं। पहले से भी बहुत ज्यादा विश्वास आज लोगों का ज्योतिष में बढ़ गया है, क्योंकि लोग ज्योतिष से अपने जीवन में चमत्कार को देख रहे हैं। आप भी ज्योतिष के लाभ को उठाने से वंचित न रहें। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे जल्द से जल्द संपर्क स्थापित करें। अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमारे सिद्धिशनि मंदिर के गुरु रजनीश ऋषि जी, जिनको 30 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है अपनी आप जैसे भक्तगणों की मदद करने का, इसी प्रकार हमारी गुरु मां रुक्मिणी जी, उनको भी वर्षों का अनुभव है, 10 वर्षों से अधिक से वो हमारे शनि मंदिर के भक्तगणों की सहायता कर रही है। इसी प्रकार मैं भी, स्वामी राजेश जी भी, आप सभी लोगों की मदद के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आवश्यकता है स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर जल्द से जल्द संपर्क करके आप वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट लें, अपनी परेशानियों का हल उपाय हमसे प्राप्त करें, जीवन में अपनाकर उन्हें आप तरक्की और प्रतिष्ठा के मार्ग पर अग्रसर करें। साथ ही साथ जिन भक्तगणों को इस समय पर फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, फाइनेंशियली वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द हमारे सिद्ध शनि मंदिर से अपने लिए सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली उपाय है हर प्रकार की समस्या को दूर करने का अपने जीवन की, जिसके लिए आवश्यकता यह है कि स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क को साधें और इस अंगूठी को हमसे प्राप्त करें। हर प्रकार की परेशानी में ये अंगूठी आपकी मदद करेगी। इसे विशेष तौर पर हमारे जो गुरु रजनीश ऋषि जी हैं वो मंत्र सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके तैयार करते हैं, जागृत करते हैं, जिनसे वो आपकी परेशानी में आपको लाभ पहुंचा पाए। और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेट पर हम इसे आपके घर पर पहुंचा रहे हैं। आपके घर बैठे ही आपको ये प्राप्त हो जाएगी। आपको तो बस ये धारण करनी है और इसके फलों का सेवन करना है। हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं गुरु रजनीश ऋषि जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब पर उनको देखा था और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, अपनी तकलीफ बताई, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया और वो मैंने किया। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा मन हल्का हो गया है, जैसे मेरी तकलीफ दूर हो गई। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है। अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से
किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है। उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी झिझक के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। चलिए बच्चा, अंत में बात कर लेते हैं उपाय की, जिससे हमारे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं अपने आप को मजबूत महसूस कर सकते हैं फरवरी 2022 में। तो देखिए, जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो आपको बहुत इस समय पर परेशान कर रहे हैं, बहुत ट्रबल दे रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है शुक्र देवता को प्रसन्न करने की, उनका आशीर्वाद हासिल करने की। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय तो यही है, क्योंकि प्रॉब्लम आधी की वजह से, आधी के व्यवहार की वजह से आ रही है, तो इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, जीवन साथी को समझने का प्रयास करें, इससे आपके बीच के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो दूर हो सकते हैं। उनको आप समझाएं कि क्यों चीजें वैसी दिख रही हैं जैसी वो प्रतीत हो रही हैं। तो ये जीवन साथी को ट्रस्ट में लेकर ही कोई काम यदि आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे फल आपको मिलेंगे, ये मेरा आपको सजेशन है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि गौ माता को अगर सफेद हो तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें आप शुक्रवार के दिन उबले हुए आलू और रोटी अपने हाथों से खिलाएं, गौ माता का आशीर्वाद लें, ये शुक्रवार के दिन आपको करने की आवश्यकता है। इससे बहुत अच्छे आपको प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और शुक्र देवता के आशीर्वाद से ये जो प्रॉब्लम है जीवन साथी के साथ वो जल्द से जल्द दूर हो सकते हैं। चलिए बच्चों,
आज की चर्चा को तो हम यहीं पर विराम देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। और जो भी हमारे भक्तगण पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना ना भूलें। इसी मनोकामना के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय शनिदेव।